Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 25. Subject English class 9th और ये वर्कशीट आपको करनी है 4 सितंबर 2021 को. और आज की वर्कशीट का टॉपिक है स्टूडेंट मॉडल्स. मॉडल्स क्या होते हैं स्टूडेंट? मॉडल मूड से बना हुआ है. मॉडल्स वर्ब ही होती हैं लेकिन ये एक्शन वर्ब नहीं होती हैं. मॉडल से हमें स्पीकर के मूड का पता लगता है कि वो एंग्री है, कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, कि एडवाइज़ कर रहा है. तो हमें मॉडल से मूड का पता लगता है. जैसे आप स्कूल में कहते हो ना मे आई कम इन, तो मतलब परमिशन मांग रहा है बच्चा. और फॉर्मल वे से परमिशन मांग रहा है. फॉर्मल का मतलब ऑफिशियल वे से, कि आपसे बड़ा जो है कमरे के अंदर है जिसके आप रिस्पेक्ट करते हो, फॉर्मल आपके रिलेशन है उनसे, तो आप मे आई कम इन मैडम बोलते हो. और यदि आपके फ्रेंड्स होते हैं, आप लंच करते हो, तब आप क्या कहते हो? कैन आई कम इन. इनफॉर्मल रिलेशन है हमारी फ्रेंड के साथ, तो हम कैन यूज़ करते हैं इनफॉर्मल परमिशन के लिए. तो ऐसे ये क्या है, मूड को बताते हैं, स्पीकर का मूड. तो मॉडल्स की वजह से ही हमें उस सेंटेंस से मूड का पता लग जाता है मॉडल्स के द्वारा. तो स्टूडेंट देखिए आज की वर्कशीट में क्या है. डियर स्टूडेंट, इन द प्रीवियस वर्कशीट यू लर्नड अबाउट मॉडल्स. पीछे की वर्कशीट में भी आपने मॉडल्स के बारे में पढ़ा, वहाँ पर भी बताया था कि मॉडल्स क्या होते हैं. कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, हैव टू एक्सेट्रा. आपने इन मॉडल्स का यूजेज कर चुके हो आप. कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, हैव टू का. इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न अबाउट सम मोर मॉडल वर्ब्स सच एज ओट टू, नीड टू, यूज टू, हैज टू, हैड टू. आज की वर्कशीट में हम कौन कौन से मॉडल्स करेंगे? नीड टू का यूज़, ओट टू का यूज़ टू का यूज़ और हैज टू और हैड टू का यूज़. लेट अस लुक एट द टेबल गिवन बिलो. टेबल के अंदर जो बड़े अच्छे तरीके से एलाबोरेट कर रखा है. तो फर्स्ट है हमारी मॉडल वर्ब ओट टू. ओट टू वर्ब जो है स्टूडेंट, वो एक्सट्रीम वाली कंडीशन को दिखाती है. देखो ओट टू का मतलब भी चाहिए ही होता है सुड वाली सेंस में. जैसे मस्ट, सुड और ओट टू, बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि तीनों जो है, तीनों का मतलब चाहिए होता है. तो ओट टू का हम कहाँ यूज़ करते हैं? मोरल ओब्लिगेशन. मोरल ओब्लिगेशन क्या? जो नैतिक कर्तव्य हमारा होता है, उस सेंस में हम जब स्ट्रेस देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, तो हम ओट टू यूज़ करते हैं. नेसेसिटी, जो ज़रूरी है, और एडवाइज, सलाह के लिए भी हम यूज़ करते हैं ओट टू. लेकिन सुड, ओट टू और मस्ट में माइनर सा डिफरेंस है. ओट टू को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें निर्धारित किया है, संविधान में बताया गया है, उन वाली सेंस में हम यूज़ करेंगे ओट टू, जो हमें चाहिए ही चाहिए. ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन में जो अच्छा चाहिए, हमें अच्छा बिहेवियर चाहिए. जैसे इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं, वी ओट टू सेव रेन वाटर फॉर कंजर्विंग वाटर. पानी को सेव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पानी को कंजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए. यू ओट टू रीच स्कूल ऑन टाइम, तुम्हें स्कूल पर टाइम पर पहुंचना चाहिए. ये हमारे जो है ड्यूटीज़ हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो हमारे ज़रूरी काम है, जो हमें करने चाहिए, उसमें हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं ओट टू. ओके, नेक्स्ट मॉडल है हमारा नीड टू. यूज टू शो समथिंग इज़ रिक्वायर्ड एंड इज़ मैंडेटरी. जो ज़रूरी है करना हमारे लिए, हमारी आवश्यकता है वो करना, उस सेंस में हम यूज़ करते हैं नीड टू. जैसे रोहित नीड्स टू विजिट ए डेंटिस्ट टू ट्रीट हिज कैविटीज. रोहित को डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है अपनी कैविटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएगा डेंटिस्ट के पास, तभी तो उसकी कैविटी का ट्रीटमेंट हो ना. तो उसकी ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है. तो हमने यूज़ किया मॉडल नीड टू. यूज टू एक्सप्रेस सम हैबिट्स इन द पास्ट एंड टू डिपिक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट. पहले जो होता था पास्ट में, अब कोई ज़रूरी नहीं है, पास्ट में जो होता था उसको शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं मॉडल यूज टू. ठीक है, जैसे माई ग्रैंड फादर यूज टू स्विम वेल वैन ही वॉज यंग. जब वो बच्चा था, मेरे दादाजी बड़ा अच्छा तैरते थे. अब नहीं, तब, जब वो बच्चे थे. देर यूज टू बी ए रेस्टोरेंट एट द मेन मार्केट. मेन मार्केट में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था. अब नहीं, ये पहले हुआ करता था. तो पास्ट की एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए हम यूज़ करेंगे यूज टू. अब हैज टू देखिए. यूज टू शो नेसेसिटी प्रेजेंट टेंस में, जो हमें करना पड़ेगा, जो हमारे लिए मजबूरी है, उसमें हम यूज़ करें प्रेजेंट में हैज टू यूज़ करेंगे, और पास्ट की मजबूरी के लिए हैड टू यूज़ करेंगे. जैसे सी हैज़ टू कम्प्लीट हिज होमवर्क टू नाइट. उसे आज रात अपना होमवर्क कम्प्लीट करना पड़ेगा.
ये उसके लिए कंपल्सन है, नहीं कर नहीं करेगा तो अगले दिन पिटाई होगी। पिटाई का मतलब उसको पनिशमेंट मिलेगी, कुछ मतलब उसको करना चाहिए, उसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट देखो, आजकल पिटाई तो बहनों रखी है, लेकिन उसको जो है कुछ सुनने को मिलेगा, भाई आपको करना चाहिए, आपके लिए अच्छी बात है। और हैड टू सो नेसेसिटी कंपल्सन इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में ज़रूरत को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं हैड टू। पीपल हैड टू स्टे एट होम ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन के दौरान लोगों को घर रहना पड़ा, चाहते नहीं थे लेकिन बीमार हो जाएंगे, कोरोना हो जाएगी तो उन्हें घर रहना पड़ा। ओके, तो अब हम करते हैं आपकी आसान सी वर्कशीट, ये देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल्स, सही मॉडल्स, स्टेबल मॉडल्स को आपको ब्लैंक्स में फिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, केजिया ब्लैंक बी वेरी डिसिप्लिन इन फ्रंट ऑफ आवर फादर। केजिया को अपने फादर के सामने डिसिप्लिन रहना पड़ता था। अब इसकी रहना पड़ता था कौन से वाली सेंस में, नहीं रहता था क्योंकि उसके फादर को डिसिप्लिन बिहेवियर पसंद था, और उसके लिए क्या थी वो कंपल्सन थी। अगर कंपल्सन वाली सेंस में, अगर आप द लिटिल गर्ल वाली सेंस में लेंगे, जो उसमें लड़की थी केजिया थी, वो अपने फादर से डरती थी तो उसको करना पड़ता था, तो उसमें हैज़ टू वाली सेंस आ जाएगी। लेकिन अगर केजिया किसी नॉर्मल लड़की को मानेंगे तो इसमें ओट टू, हर बच्चे को अपने पेरेंट्स के सामने डिसिप्लिन रहना चाहिए ना, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा ओट टू। सेकेंड देखिए, वन ब्लैंक अवॉइड जंक फूड टू स्टे हेल्दी। किसी को भी जंक फूड जो है वो अवॉइड करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, तो इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा ओट टू आएगा। आप इसमें सुट भी भरेंगे तो उसकी भी सेंस वही होगी चाहिए वाली, कि हमें जो है जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। लेकिन वन वाली सेंस की जो सबके लिए जनरल स्टेटमेंट होती है, उसमें हम ओट टू यूज़ करते हैं, तो ओट टू इसमें ज़्यादा स्टेबल है। वन ओट टू अवॉइड जंक फूड टू स्टे हेल्दी। अगर मैंने कहा कंस्टिट्यूशन वाली सेंस में, तो आप इसमें सुट भी भरोगे तो वो भी सही है, ठीक है स्टूडेंट, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप जनरल स्टेटमेंट के लिए सुड ही फिल करोगे वो भी सही है। वन सुड अवॉइड जंक फूड टू स्टे हेल्दी, हमें हेल्दी रहने के लिए जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए। थर्ड देखिए, वी ब्लैंक प्रैक्टिस प्रॉपरली टू विन द कमिंग मैच। अब जो है हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर हम कमिंग में आने वाले मैच को जीतना चाहते हैं तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो हमारे लिए मस्ट है, ज़रूरत है, तो इसमें क्या आएगा, वी क्या है हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ आएगा हैव टू, तो आएगा इसमें वी हैव टू प्रैक्टिस प्रॉपरली टू विन द कमिंग मैच। फोर्थ देखिए, पायलट ऑफ ओल्ड डकैतो। अब फर्स्ट फ्लाइट का आपका चैप्टर याद आ गया होगा जिसमें ओल्ड डकैतो था। ब्लैंक फॉलो द इंस्ट्रूमेंट टू ब्लैक एरोप्लेन टू कम आउट ऑफ स्टोन। ओल्ड डकैतो के पायलट को, जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा था तूफान से बाहर आने के लिए, उसको उसके पालन करना पड़ेगा, ये उसके लिए ज़रूरी थी, करना पड़ा था ना उसको, तभी तो बाहर आया था स्टॉर्म से। तो पास्ट की नेसेसिटी के लिए हम यूज़ करेंगे हैड टू, तो फोर्थ में आएगा हैड टू। फिफ्थ देखिए, वी ब्लैंक ट्रेवल बाय एरोप्लेन टू रिच फास्ट टू चेन्नई। चेन्नई अगर जल्दी जाना है, जल्दी पहुँचना है, तो हमें किससे जाना पड़ेगा, एरोप्लेन से जाना पड़ेगा, तो ये क्या है, वी नीड टू, हमारी ज़रूरत है, अगर हमें जल्दी जाना है तो वी नीड टू ट्रेवल बाई एरोप्लेन टू रीच फास्ट टू चेन्नई, तो जो हमारी ज़रूरत होती है उसमें हम नीड टू यूज़ करते हैं। सिक्स देखिए, मार्गीज ग्रैंडफादर ब्लैंक गो टू ए फिजिकल स्कूल व्हेन ही वाज यंग। मार्गी के दादा जो है फिजिकल स्कूल में जाते थे, ऑफलाइन स्कूल में जाते थे जब वो बच्चे थे, तो पास्ट की हैबिट के लिए क्या यूज़ करेंगे, यूज्ड टू। अब देखो इस सेंटेंस में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसमें यूज़ टू ही आएगा, ओट टू नहीं आएगा, क्योंकि हम ग्रैंडफादर की पास्ट की एक्टिविटी, पास्ट की हैबिट बता रहे हैं, और पास्ट की हैबिट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मॉडल ओट टू यूज़ करते हैं। सेवन्थ देखिए, बिस्मिल्ला खां ब्लैंक प्रैक्टिस फॉर आवर्स टू कम टू होन हिज स्किल। होन होता है डेवलप, टू डेवलप हिज स्किल ऑफ प्लेइंग सेनाई। बिस्मिल्ला खां को जो है कई घंटों प्रैक्टिस करनी पड़ती थी सहनाई बजाने की, अपनी इस प्रैक्टिस को डेवलप करने के लिए, तो पढ़ती थी पास्ट में, तो इसमें पास्ट की नेसेसिटी के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, हैड टू, तो बिस्मिल्ला खां हैड टू प्रैक्टिस फोर आवर्स टू होन हिज स्किल ऑफ प्लेइंग सहनाई। बिस्मिल्ला खां को करनी पड़ती थी काफ़ी घंटे जो है सहनाई बजाने की प्रैक्टिस। एट देखिए, देव ब्लैंक विजिट ए कोबलर टू मेंड हिज शूज। देव को
किसके पास जाना है जूते सुधारने के लिए, मेंड करने के लिए? कोबलर के पास, ये उसकी ज़रूरत है। जूते कौन से ठीक करेगा? कोबलर करता है, तो इसमें नीड टू आएगा। ये देव को कोबलर के पास जाने की ज़रूरत है अपने सूज ठीक करवाने के लिए। नाइन्थ देखिए, आई ब्लैंक कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम सो दैट आई कैन प्ले आउटसाइड। मुझे मेरा काम जो है पूरा करना पड़ेगा ताकि मैं बाहर खेलने के लिए जा सकता हूँ, तभी जा सकता हूँ ना। तो इसमें क्या आएगा? आई के साथ हैव टू आएगा, प्रेजेंट वाली नेसेसिटी है। आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम, मुझे मेरा काम जो है समय पर पूरा करना पड़ेगा ताकि मैं बाहर खेलने जा सकूँ। लास्ट देखिए, आवर चिल्ड्रन प्लैंग स्टडी इन ए फिजिकल स्कूल बिफोर मूविंग टू ए वर्चुअल स्कूल। हमारे बच्चे जो है फिजिकल स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में जाते थे ना ऑफलाइन, वर्चुअल स्कूल के आने से पहले, तो पास्ट की हैबिट हो गई ना। अब तो आप, हालांकि आपके स्कूल खुल गए हैं, लेकिन इसमें क्या है वो वाली सेंस आ रही है कि कोरोना की वजह से आप घर रहे, कोरोना से पहले आप फिजिकल स्कूल में जाते थे, तो पास्ट की हैबिट के लिए क्या यूज़ करेंगे? यूज्ड टू। तो इसमें आएगा आवर स्टूडेंट यूज्ड टू स्टडी इन ए फिजिकल स्कूल बिफोर मूविंग टू ए वर्चुअल स्कूल। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये मॉडल्स के यूज़ पता लग गए, ओट टू, यूज टू, हैज टू, हैड टू और नीड टू। ठीक है स्टूडेंट, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपको मॉडल्स डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे। धीरे धीरे आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज बढ़ती जाएगी, जिससे आपकी, देखो मॉडल्स का स्पीकिंग इंग्लिश में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये टॉपिक आपको हर हालत में करना ही करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।